कभी कभी हमारे ज़िंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है, और अपने जीवन में इतना निराश हो जाते हैं कि अपने जीवन को बोझ समझने लगते हैं। ऐसे में हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और अपने मुश्किलों को डटकर सामना करना होगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक बुजकिक था। निक भी अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, परंतु उनमें एक कमी थी। वे फोकोमेलिया नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर निक का हाथ और पैर क्यों नहीं। निक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि निक का जीवन कैसा होगा, बिना हाथ पैर के बच्चे का भविष्य कैसा होगा। उनके बचपन का जीवन बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा था। उनके जीवन में कई तरह की मुसीबतें आने लगी। उन्हें अपने स्कूल में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बल्कि वे अपने विकलांगता और अकेलेपन से निराश के अंधकार में डूब चुके थे। वे ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि काश उन्हें भी हाथ पैर मिल जाते। निक अपने विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में वे आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उनकी मां ने समाचार में प्रकाशित एक लेख को दिया जिसे पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह परिवर्तित हो गया। वो लेख एक विकलांग के ऊपर था जिसने अपने जीवन पे विजय पाया था। यह पढ़कर उन्हें लगा कि दुनिया में अकेला मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो संघर्ष कर रहा है। निक को यह समझ में आ गया कि वे चाहे तो जीवन सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक धीरे धीरे पैर की जगह निकली उंगलियों और कुछ उपकरणों की सहायता से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख गए। निक 21 वर्ष के उम्र में अकाउंटिंग और फाइनेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना करियर शुरू किया। आज निक एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, बल्कि आज वे सब कुछ करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। हाथ पैर ना होने के बावजूद गोल्फ खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं। आज वे एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। जहां आज हम लोग जीवन में छोटी छोटी बातों पर हताश होकर जीवन जीना छोड़ देते हैं, ऐसे में निक ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल ही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम सफलता तक पहुंचते हैं।